आईसी आइस e. ये बर्फ वाली आइस नहीं है सिग्ना जी डॉट फोर्टी एटी सुना है कभी आपने दिस इज कॉल्ड अजूरा नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ट्रक्सप डॉट कॉम पे हम आ पहुंचे ग्रेटर नोएडा यहाँ पे हो रहा है ऑटो एक्सपो 2023 ये है गेट नंबर पाँच वेन्यू का यहाँ से हम अंदर एंट्री करेंगे मीडिया पासिस हैं हमारे पास में स्कैन होगा और उसके बाद में एंट्री ऑटोमेटिकली टैली हो जाती है अंदर चल के देखते हैं कैसा क्या कुछ माहौल है आइए तो जो मीडिया इन्वाइट हमारे पास आया है इसमें हर एक कंपनी को 20 से 25 मिनट का टाइम स्लॉट दिया गया है जिसमें वो अपनी रेंज अनवील करेंगे तो पूरा पूरा जो मीडिया हाउसेज़ हैं वो सारे उस स्टॉल पर चले जाएंगे उस पेविलियन पर पे चले जाएंगे वहाँ की अनवीलिंग होगी जो भी इंट्रोडक्शन अनाउंसमेंट्स होने वो होंगे और पाँच पाँच मिनट का गैप रखा गया है जिसके बाद अगली कंपनी की अनवीलिंग अनाउंसमेंट्स शुरू हो जाएंगे तो इस तरीके से काफ़ी सारे हॉल्स हैं यहाँ पे और बड़े बड़े स्टॉल्स लगे हुए हैं बड़े बड़े पवेलियंस हैं इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल कार्स थ्री व्हीलर्स की काफी सारी कंपनियां हैं और ये जो हॉल नंबर फोर्टीन देख रहे हैं जो मेरे बिल्कुल जस्ट पीछे है ये है टाटा मोटर्स का तो जो उन्होंने थीम भी अपनी रिवील करी है मूविंग इंडिया उसमें क्या होने वाला है आई आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कि लॉजिस्टिक्स में तो वैसे है ही और कमर्शियल व्हीकल लीडर भी हैं तो मे बी समथिंग इन सिंक विद दैट तो इस तरीके से, से सेंट्रल अरीना है दोस्तों अलग अलग हॉल्स हैं ये बीच में जो सबसे बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे खाने की व्यवस्था है कैंटीन्स हैं, स्टॉल्स हैं फूड स्टॉल्स हैं ये वो एरिया है। इसके चारों तरफ अलग अलग हॉल्स हैं। हर एक हॉल के अंदर कुछ कुछ ऑटो एक्सपो में अपना अपना स्टॉल लगा रही हैं। और ये जैसे हो गया हॉल नंबर फोर्टीन इसमें हम सीधे चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ स्पेशल है दोस्तों ये जो पूरा पवेलियन है यहां से लेके हॉल के आखरी तक दिस इज बीइंग टेकन बाय टाटा मोटर्स स्टार्टिंग में पैसेंजर कार्स हैं जो ढकी हुई अगर आप देख रहे हो अलग-अलग कलर्स -अलग में अलग-अलग टाइप -अलग के क्लॉथ्स में ये पैसेंजर कार से इसी के बीच में एक स्टेज है और उस ओर कमर्शियल व्हीकल्स हैं तो थीम हमें मोटा-मोटा तो -मोटा समझ में आ रही है कि इट इज टुवर्ड्स ग्रीनर फ्यूल सस्टेनेबल फ्यूचर सस्टेनेबल मोबिलिटी लेकिन पास में चल के देखते हैं क्या कुछ है वहां पे ये जो एरिया है पूरा ये कमर्शियल व्हीकल्स को डेडिकेटेड है इधर आपको ट्रक्स नजर आएंगे पहले हेवी ट्रक्स इसके पीछे की ओर बसेस हैं उस और आपको कुछ एलसीबी ट्रक्स मिलेंगे छोटी वैन मिलेंगी जैसे विंगर वगैरह है और इस ओर पिकअप्स एंड मिनी ट्रक्स लगाए गए हैं ये मेन स्टेज होने वाला है और पीछे बैकड्रॉप में चलने वाला है Chief Financial Officer, Mr. P. V. Balaji. Chief Human resource So, guys, here is the lineup of the day. चौदह गाड़ियां कंपनी ने आज यहाँ पे रिवील करी हैं। हर एक गाड़ी कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल से दूर हटती हुई नजर आ रही है कंपनी का कहना है कि बाय 2045 दे विल रीच अ जीरो जीरो टेल पाइप एमिशन स्टेज तो जो भी आज गाड़ियां हैं वो या तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल हाइड्रोजन आइस इंजन इंटरनल कंबसन इंजन जिसे कहते हैं या सी या एल या इलेक्ट्रिक बैटरी ऑपरेटेड है तो इस थीम के ऊपर कुल मिला कंपनी ने यहाँ पे डिस्प्ले किया है ये है पहला ट्रक 55 टन घोड़ा है एच डॉट ये हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन के द्वारा चलित है छह चक्का घोड़ा है ये ट्रैक्टर यहाँ पे डिस्प्ले किया कंपनी ने कलर बड़ा ही प्यारा और बड़ी सॉलिड लुक आ रही है प्राइमा केबिन के साथ में दिया है 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 इनफैक्ट नया वाला जो जो प्राइमा ग्रिल है और जो लुक उसमें दिखाया है कंपनी ने साइड से भी आप देखेंगे तो दीज आर नॉट दी नॉर्मल व्हीकल्स दैट वी सी ऑन द कुछ स्पेशल किया हुआ है ऊपर से बड़ा अच्छा सा फसाड़ कवर किया हुआ है साइड से पूरा पूरा कवरिंग की हुई है यहाँ से भी जो साइड अंडर प्रोटेक्शन डिवाइस होते हैं उसके बदले आप देखेंगे पूरा पूरा कंपनी ने यहाँ पे कवर किया हुआ है और जो पेंट की क्वालिटी है वो नेक्स्ट लेवल है अलग ही शाइन आ रही है ये है दूसरा ट्रक ये भी पचपन टन घोड़ा है लेकिन ये फ्यूल सेल वाला ट्रक है तो हाइड्रोजन से ये भी चलता है लेकिन इसमें फ्यूल सेल्स होते हैं तो हाइड्रोजन से बेसिकली दो टाइप की टेक्नोलॉजीज डिराइव होती हैं वन इज इंटरनल कंबेशन इंजन जो कि जनरली एक इंजन के तौर पे ही काम करता है और सेकेंडली फ्यूल सेल तो ये कुल मिला के इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा काम करता है इसमें अगर हम आपको साइड से दिखाएं लुक्स तो बड़ी प्यारी हैं और इनफैक्ट जो शीशे हैं वो भी थोड़े बहुत टेंटेड हैं ये गाड़ियां अभी फिलहाल लॉक्ड हैं तो हम आपको दिखा नहीं पाएंगे कोशिश करेंगे लेटर ऑन एक डिटेल्ड रिव्यू इनका हम आपको डाल पाए तो ऑल फोर पॉइंट सस्पेंडेड केबिन नए लुक के अंदर पीछे से देखेंगे आप पूरा पूरा कवर किया हुआ है जो आप यूरोप या यूएस में ट्रक्स देखते हो जो लंबे ट्रैक्टर ट्रेलर देखते हो वहाँ पे घोड़े और ट्राले के बीच में ना ये कवरिंग लगी होती है वो ऊपर से भी कवर करती है तो हवा का कटाव अच्छा करता है प्लस बड़ी बड़ी खास, खास तो आमतौर पर क्या होता है इंजन आगे होता है ड्राइव एक्सल ये होता है तो वहां से पावर ट्रांसमिशन यहाँ पे होती है और वो प्रोपेलर शाफ्ट के द्वारा होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक मोटर से चल रहा है इसलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं इसमें मोटर लगी हुई है कोई भी प्रोपेलर शाफ्ट नहीं है सामने से पावर ट्रांसमिशन नहीं है यहीं पे मोटर के द्वारा पावर बनती है और यहीं पे ड्राइव एक्सेल पे चली जाती है ये है दूसरा ट्रैक्टर दूसरी सेकेंड व्हीकल ऑफ द डे 55 टनर फ्यूल सेल ट्रैक्टर विद प्राइमा केबिन तीसरी गाड़ी आपको दिखाते हैं दोस्तों ये है भारत का पहला 28 टन टिपर इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड तो E28.K इसको नाम दिया है ई e यानी इलेक्ट्रिक के यानी इसको टिपर को टाटा के टर्मिनोलॉजी में के दिया जाता है और ये भी अगेन प्राइमा केबिन के साथ में जो नेक्सॉन के ऊपर आपको ईवी की ब्रांडिंग दिखती है वो जो कलर शेड मिलता है वही कलर शेड यहां पे आपको इसमें भी दिया गया है दिस अगेन कम्स विद अ प्राइमा केबिन खूबसूरत बम्पर मेटल बम्पर है ये रैप अराउंड हेडलैम्प दो फुट स्टेप्स डे केविन के साथ में और पीछे की ओर जो टिपर ट्रॉली होती है और पीछे की ओर जो टिपर का डाला होता है वो है यहाँ पे बीच में जैक्स वगैरह लगे हुए एंड दिस इज अगेन बैटरी ऑपरेटेड तो इसके अंदर भी आगे इंजन नहीं है इसी एरिया में मोटर है उसी मोटर के द्वारा यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन हो जाता है ये सिक्स बाय फोर है तो इन दोनों एक्सेल्स के अंदर चाल है इन दोनों एक्सेल्स के अंदर पावर है दिस इज इंडिया फर्स्ट टन टिपर, दस चक्का डंपर है ये आगे आपको ले आते हैं इस टाइप का केबिन आपने अभी तक इंडियन रोड्स पे नहीं देखा है प्राइमा केबिन फिर भी आपने देखा होगा दैट इज अ फेसलिफ्ट। ये है नया सिग्ना Thank <laughs> you. अभी अभी तक तक जो आपने आपने देखा वो था नया प्राइमा सीरीज ये केबिन भारतीय सड़कों पे नहीं देखा होगा दिस इज समथिंग न्यू सो दिस इज न्यू सिग्ना केबिन सिग्ना सीरीज टाटा मोटर्स की बहुत पॉपुलर है भारतीय सड़कों पे आपको बहुत सारी गाड़ियां नजर आ जाएंगी व्हाइट केबिन में ऑरेंज केबिन में इस टाइप केबिन में और यहाँ पे जो आज कंपनी ने लगाया है पूरी पूरी गाड़िया इनका जो कलर है वो कहीं कही ना कहीं टाटा मोटर्स की जो थीम है ब्लू कलर की थीम उससे सिंक होता हुआ नजर आ रहा है। so, यूज करती है गैस के लिए यूज करती है 48 तन, की ये गाड़ी है, और ट्रक है। सोला टायरा सी एन जी ट्रक पहली बार किसी ने इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के अंदर अनवील किया है

बहुत हॉट सेलिंग केक है, है है, in तो ये ड्राइव होता है दोस्तों, ये ड्राइव होता होता दोस्तों, लिफ्ट इसके अंदर गुब्बारे लगे होते हैं ये उड़ जाता है, तो जब गाड़ी के अंदर लोड है तो सारे टायर चलेंगे जमीन पे और जब गाड़ी में लोड नहीं है तो लिफ्ट एक्सल को उठा लीजिए और माइलेज का भी फायदा उठाइए टायर माइलेज का भी फायदा दिस इज समथिंग न्यू गाइस तो अभी तक आपने एलपीटी केबिन देखा है जो पांच से टन से लेके साढ़े सत्रह टन अठारह टन तक के जो आई एल ट्रक्स हैं उसके अंदर जो एल पी टी केबिन आता था उसका ये नया अवतार होने वाला है दिस इज कॉल्ड अजूरा

जो बाहर बड़ा बम्पर, एक और बम्पर और नया भी, भी लगाया गया। और आपको पंद्रह बारह में मिलता है और पीछे की ओर से यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंडेड एरिया हमें नजर आ रहा है पॉसिबली हो सकता है कि ज्यादा लेगरूम ज्यादा स्पेस के लिए या फिर स्लीपिंग किट के लिए कलना यूज हो पाए कई लोग के, के अंदर स्लीपिंग किट भी लगाते हैं तो पॉसिबली कहीं ना कहीं उस टाइप का अरेंजमेंट्स यहाँ पे फ्यूचर में हो सकता है, इस और आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये पैसेंजर है। छोटी पैसेंजर। तो पहले, मैजिक ये ने कुछ दिन पहले कंपनी ने लॉन्च की थी एस इवी यहाँ पे मैजिक ईवी भी कंपनी ने दिखा दी है बीस किलो वोट आर की बैटरी के साथ में टेन प्लस ड्राइवर सीटिंग के अंदर दस सवारी बैठेंगी

सवारियों का कंफर्ट बड़ा अच्छा होता है पैसेंजर कंफर्ट बड़ा अच्छा मिलता है अगेन बिल्डिंग ऑन दी सस्टेनेबल मोबिलिटी सेफर क्लीनर फ्यूचर ड्रिवन एस्पेक्ट्स, ये अल्ट्रा इलेक्ट्रिक है ई डॉट नाइन नौ टन वाला अल्ट्रा ट्रक तो अगेन बैटरी ऑपरेटेड आइए आपको ले चलते हैं बसेस की ओर दो लो फ्लोर बसेस भी कंपनी ने लगा रखी है दोस्तों ये दो बसें कंपनी ने यहाँ पे डिस्प्ले की है।, ये है प्योर इलेक्ट्रिक बस लो इसके अंदर आपको अच्छा सीटिंग स्पेस मिल जाएगा अंदर से खुली खुली है गैंगवे अच्छा मिल जाता है अंदर कैमरा वगैरह भी लगे हैं और जो ड्राइवर डैशबोर्ड एंड कॉकपेट है ये भी थोड़ा सा नए जमाने का है गिविंग अ वेरी वेरी गुड लुक और टाटा मोटर्स की ईवी तो चल भी रही है अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मार्केट में ये है फ्यूल सेल ऑपरेटेड सेकेंड बस ऑफ द डे लो फ्लोर बस है हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलती है और लुक एंड फील मोटा मोटा सेम आएगी जस्ट दैट द ड्राइव ट्रेन इज डिफरेंट आइए आपको ले चलते हैं दूसरी ओर अभी पवेलियन खत्म नहीं हुआ है वहां पर एक बहुत बड़ा टिपर लगाया गया है और एक छोटी गाड़ी भी आपको इलेक्ट्रिक अवतार में दिखाते हैं उससे पहले यह है फ्लीटेज एरिया जिनको नहीं पता है आप लोग अपने ट्रक्स के अंदर जीपीएस लगवाते हैं किसी जमाने से अब जमाना बदल चुका है लैंडलाइन से लोग मोबाइल पे आ चुके हैं ऐसे ही जीपीएस से लोग टेलीमेटिक्स पे आ चुके हैं और फ्लीटेज टाटा मोटर्स का इन हाउस टेलीमेट्रिक सोल्यूशन है ट्रैक ट्रेस के अलावा फ्यू, एंटी फ्यूल थे माइलेज इस टाइप के तमाम फीचर्स इसके अंदर हैं। डिटेल्ड वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्लिटेज के ऊपर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी, आपकी प्रोडक्टिविटी ये बढ़ा सकता है ये यहाँ पे कंपनी ने एक वाला टिपर टाइप से हमें लग रहा है और इस ईवी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बना हुआ है तो म्यूनिस्पल वेस्ट के लिए यह मेरे ख्याल से काफी कारगर साबित होगा और इनफैक्ट जो पॉल्यूशन होता है वो ज्यादातर तो शहरों में ही होता है तो वहां पे ये काफी काम आने है। और जी हाँ दोस्तों वाला है सी एन जी पवेलियन योद्धा पिकअप सी में दिखा दी गई है अभी तक ये मोनोपोली था महिंद्रा बोलेरो पिकअप का पिकअप सेगमेंट में जब सी फ्यूल की हम बात करते हैं लेकिन योद्धा सी में आने के बाद कॉम्पिटिशन गरमाने वाला है सो दिस इज योद्धा टू पॉइंट ये टू पॉइंट टू लीटर सी एन जी इंजन के साथ में आने वाली है कितनी जल्दी कमर्शियली मार्केट में आती है उस चीज का हमें इंतजार रहेगा जितनी जल्दी ये मार्केट में आएगी उतनी जल्दी कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है ग्राहकों को फायदा उतनी ही जल्दी मिलने वाला है और इस ओर सबसे ज्यादा पेलोड के साथ में बायफ्यूल टेक्नोलॉजी वाली पिकअप तो दिस इज इंट्रा वी ट्वेंटी ये पेट्रोल और सी दोनों पे चलती है आप इसे सी में चलाइए और जब सी खत्म हो जाती है तो पेट्रोल पे, पे स्विच हो जाती है तो अभी तक सिर्फ एक ही गाड़ी थी मार्केट के अंदर लेकिन सबसे ज्यादा पेलोड के साथ में टाटा ने भी अपना इंट्रा वी ट्वेंटी बायफ्यूल लॉन्च कर दिया है और गैस कीजिए ये क्या होगा बॉडी से अगर आप गैस कर पाए तो ये है एक टिपर बारह चक्का टिपर कंपनी ने डिस्प्ले किया है पहली बार कोई एल टिपर बारह चक्के में भारत में रिवील किया गया है <स्थाथ> चुरल गैस प्राइमा केबिन में दोस्तों ये दिखाया गया कंपनी ने तो कैसा लगा आपको टाटा मोटर्स का पेविलियन दोस्तों मूविंग इंडिया की थीम कैसी लगी आपको एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं आज के लिए ही बहुत जल्द फिर मिलेंगे किसी और कमर्शियल वहीकल के साथ तब तक के लिए धन्यवाद